नमस्कार, दिन के पहले बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइमर। चलिए इस पहले बुलेटिन में आपको दिखाते हैं धार्मिक खबर। यहां पर हर जगह भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली गई, वहीं पर वक्षराज क्षेत्र में भी गाजे बाजे के साथ पालकी पर बैठकर श्री भगवान जगन्नाथ महाराज भी निकले। आइए दिखाते हैं आपको तस्वीरों के माध्यम से वक्षराज का यह नजारा। आपको बता दें, शहरों कस्बों में हर जगह भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की यात्रा निकाली जाती है। वहीं वक्षराज नगर में भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जगन्नाथ स्वामी मंदिर से भगवान को भव्य पालकी में बैठाल कर यात्रा को निकाला गया। यहां साथ ही बैंड बाजों के साथ एवं नगर के समस्त बैंड बाजे अखाड़े भगवान की झांकी के आगे चलते हुए अपने कर्तव्य दिखाते रहे। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। भगवान की झांकी नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बस स्टैंड पहुंची, उसके पश्चात शोभा यात्रा महेंद्र तालाब पहुंचकर भगवान का जल विहार भी किया गया। यह दृश्य लोगों को सम्मोहित करता रहा। भगवान की पालकी महेंद्र सागर तालाब से तकरीबन शाम 6 बजे पहुंची, वहां से पुनः मंदिर पर प्रसाद वितरण के साथ यह शोभा यात्रा संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में क्षेत्र से एवं नगर की हिंदू संस्कृति के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य समझते हैं। वहीं जिसमें राम राजा व्यायामशाला अखाड़ा के कलाकारों के कर्तव्य और विभिन्न भजन मंडली आकर्षण का केंद्र रही एवं भक्तों का हुजूम शामिल रहा। इस शोभा यात्रा में नगर के सभी वर्गों के लोग भी मुख्यतः शामिल हुए। तो सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु जगन्नाथ जी की यात्रा में उमड़े और जहां पर एक भक्ति रस के साथ में उसमें समाहित होकर राम नाम के साथ में जगन्नाथपुरी को भी याद किया गया, जहां पर राम के साथ में अन्य कई प्रकार की धुनें और श्रद्धालुओं द्वारा कर्तव्य सामने दिखाते हुए नजर आए। तो इस खास बुलेटिन के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं अन्य और खबरों के साथ। जिले से जुड़ी, छतरपुर शहर से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहें पेप्टिक टाइम पर। नमस्कार।